5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। अध्यक्ष महोदय, हमारी गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि शताब्दियों से हमारी तकनीकें और हमारा समाज जहां का तहां बना रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में सामंतवाद और विदेशी शासन की साठगांठ से यहाँ के लोग विश्व के अन्य भागों में होने वाली तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति और आविष्कारों का लाभ नहीं उठा सके, लेकिन राजनैतिक चेतना के विकास को दबाया नहीं जा सका। यह स्वाभाविक था कि स्वराज्य की परिकल्पना के साथ साथ विदेशियों की भावना का भी उद्देश्य हो। स्वदेशी आंदोलन द्वारा हमने अपने पारंपरिक कला कौशल को नया रूप दिया है, क्योंकि उपनिवेशवादियों की भेदभावपूर्ण नीतियां तकनीकी सफलताओं के आड़े आ रही थीं। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान तमाम समय में यह चेतना बनी रही कि गरीबी और सामाजिक समानता की बुनियादी समस्याएं तभी हल की जा सकती हैं जब तकनीकी परिवर्तन घटित हों और पारंपरिक समाज के आर्थिक आधार का नवनिर्माण किया जाए। स्वाधीनता के बाद से हमारी सामाजिक नीतियों का यही उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य को योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा अंशतः प्राप्त किया जा चुका है। यह कार्य केवल बुनियादी उद्योगों का, उपभोक्ता उद्योगों की एक संपूर्ण श्रृंखला की स्थापना द्वारा पूरा नहीं होने वाला है। उसके अंतर्गत जीवन की सभी शाखा पर शाखाओं को और उत्पादन के सभी क्षेत्रों को लाना होगा। हमारे यहाँ जिस प्रकार का कृषि प्रधान समाज है, उसमें उत्पादन में वृद्धि तथा वितरण में सुधार मुख्यतः तभी संभव हो सकता है जब कृषि को आधुनिक रूप दिया जाए। हमारे यहाँ समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए इस्पात से भी अधिक सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों का प्रयोग और नए किस्म के अच्छे बीज जिम्मेवार हैं। बेहतर जीवन की हमारी तलाश में हमारी गति को तीव्रता प्रौद्योगिकी से मिलेगा। हम अपने यहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा मुक्ति, भूख से और अभाव से मुक्ति चाहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय, हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान के अन्य केंद्र हमारी शिक्षा प्रणाली के शिखरों के समान हैं। उन्हें मिलजुल कर इस ढंग से काम करना है जिससे हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिकतम ज्ञान को प्रयोग में लाया जा सके। इन समस्याओं को केवल विदेशी प्रौद्योगिकी को दोहराने, प्रतिरोपित करने या अपना लेने से हल नहीं निकल सकता। एक व्यापक भ्रम यह फैला हुआ है कि चूंकि विज्ञान के नियम सभी जगह लागू हो सकते हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी को भी सार्वभौम माना जा सकता है। यह भ्रम विकासशील देशों में प्रयास और धन के बहुत अधिक गलत उपयोग के लिए उत्तरदायी है। प्रौद्योगिकी का निर्धारण कई बातों के द्वारा होता है। किसी भी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देते हुए भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखना होता है। प्रौद्योगिकी को किसी समाज के उपलब्ध साधनों से संयुक्त करना होता है। एक गरीब देश उन प्रक्रियाओं के लिए खर्च उठा नहीं सकता जो संपन्न देशों में अपनाई जाती है। हमने देखा है कि कारण चाहे जो रहा हो, कुछ लोगों ने अनाज की सरकार खरीद में बाधा पहुंचाई है। अगर कहीं आग लग गई तो देखना केवल यह होगा कि उसे कैसे बुझाया जाए। यह प्रश्न कोई नहीं करेगा कि बुझाने के लिए पानी कहाँ से और कैसे आना है। हमारी खाद्य नीति जो भी हो, उसे पसंद किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्रों का एक प्रमुख काम विभिन्न क्षेत्रों के लिए
ऐसी तकनीकों को खोज निकालना है जो हमारे साधनों के अनुकूल हों। मैं दूसरों से कुछ सीखने या कोई जानकारी उधार लेने के विरुद्ध नहीं हूँ। एक विश्व की कल्पना के साकार होने पर अंततः प्रत्येक देश अन्य देशों की सर्वोत्तम उपलब्धियों का लाभ उठाएगा, लेकिन दूसरों से कुछ लेने पर हमारी सृजनात्मक जिज्ञासा तीव्र बननी चाहिए और हमें कुछ उपलब्धि का आभास मिलना चाहिए। उससे हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि और उदासीनता की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। औसत भारतीय के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जो विशिष्टतः हमारे ही यहाँ की समस्याएं हैं, और इसीलिए उनका समाधान बाहर से आयातित जानकारी के द्वारा नहीं हो सकता। जब तक हमारे युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं मिल सकती, लेकिन बहुतों को राष्ट्र की कृतज्ञता प्राप्त हो सकती है। विज्ञान के इतिहास से पता चलता है कि बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के दौरान की गई। इसका एक प्रमुख उदाहरण है लुई पाश्चर, जिसने फ्रांस के अंगूर उगाने वालों की सहायता देने के क्रम में अपनी खोज की। राष्ट्र को आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें बताएं कि इस्पात या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कम करके कैसे काम चलाया जाए, मशीनों का रख रखाव कैसे हो और उनको किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से काम में लाया जाए। हमें उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है पानी को जमा करने और बचा रखने के उपाय अपनाने हैं, तथा ऐसे सीधे सादे कृषि उपकरण निकालने हैं जिनकी मदद से छोटे छोटे भूखंडों की उपज बढ़ सके। अगर हम यह सीख जाएं कि स्थानीय साज सामान और क्षेत्र विशेष की जलवायु तथा भौगोलिक बनावट के अनुकूल आवासों आदि के निर्माण के डिजाइन कैसे उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो इससे न केवल खर्च में बचत होगी बल्कि प्रबंध कुशलता भी बढ़ेगी। प्राकृतिक परिवेश को संतुलित बनाए रखने के लिए भी यह सब जरूरी है। हमारे इंजीनियर भले ही गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना सकते हों और इस बात पर उल्लसित अनुभव करें कि मुंबई में पश्चिमी शहरों का ही एक नमूना है, परंतु क्या हमें यही सब चाहिए? क्या हमें नए शहरों और ग्रामीण समाजों के लिए नई नई किस्म की लाखों मकानों की आवश्यकता नहीं है? एक साहित्यकार अपनी पुस्तक की रचना अपने आप करता है। एक सृजनात्मक वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी विद केवल नकलची नहीं है, उसे मौलिक उपलब्धि करनी चाहिए। विदेशों में ऐसे संस्थान उद्यमशीलता और प्रबंध कौशल के स्रोत रहे हैं। हमारे यहाँ की परिस्थितियों में उद्यमशीलता वह गुण है जो उत्पादन प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को संलग्न करता है और साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक क्षमता में भी लगातार सुधार करता जाता है। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को तकनीकी शक्तियों और समस्याओं की अधिक गहरी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, वैसे ही वैसे मनोरंजन के लिए नए नए साधनों का विस्तार होता जा रहा है। इसकी उन्नति के साथ साथ मानव की मनोरंजन करने की भावना भी उन्नति करती जा रही है। इस क्रांतिकारी युग में उसे मनोरंजन की नितांत आवश्यकता है। यदि उसका मनोरंजन कम होगा तो वह कम काम कर सकेगा और उसकी उम्र भी कम होगी। अतः आधुनिक युग में मनोरंजन के आधुनिक साधनों की
वृद्धि होनी चाहिए।